अस्सलामुअलैकुम। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू बेडशीट की पेंटिंग लेकर आई हूं, जो कि इस वीडियो में बताऊंगी। आइए हम देखते हैं क्या क्या कलर और कौन कौन से कलर मैंने इसमें यूज़ किया है। बेडशीट की पेंटिंग में मैंने पर्पल, वाइट और मैरून यूज़ किया है इस फ्लावर में। वैसे तो बहुत सारे कलर यूज़ हुए हैं, लेकिन मैं अलग अलग सभी फ्लावर की वीडियो बनाकर अलग अलग पार्ट में आप लोगों के बीच शेयर करूँगी गाइस, क्योंकि एक बार तो बनाना पॉसिबल नहीं है, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे पर्पल से पूरे फ्लावर की आउटलाइनिंग कर लिया है वीडियो में, जैसा कि देख सकते हैं। फ्लावर थोड़ी बड़ी है तो इसे देखिए, आउटलाइन मैंने पहले कर लिया और उसके बाद कलर करेंगे। फ्लावर के हर पेटल में मैं कलर करके दिखाऊँगी, आप लोग देखिए वो गौर से। यहाँ पर मैंने फ्लैट ब्रश यूज़ किया है 5 नंबर, और ये राउंड ब्रश भी यूज़ किया है 1 नंबर आउटलाइनिंग के लिए लास्ट में। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने पर्पल कलर यहाँ पे फिल कर लिया पूरे पेटल में, और मैं पार्ट बाय पार्ट पेटल बना रही हूँ, इसलिए कि एक बार कलर करने के बाद तुरंत सूख जाएगा। एक्रिलिक कलर तो जल्दी सूख ही जाता है, और ऊपर से गर्मी का दिन है, फैन भी ऑन है। इसमें आप देखिए, नीचे मैं मैरून दूंगी, मरून थोड़ा ही देंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा ब्रश में लगाएंगे और आउटलाइन देंगे नीचे इस तरह से, देखिए। और फिर इसी को हम शेड करते जाएंगे ऊपर ऊपर की ओर, थोड़ा बढ़ते जाएंगे इसी को मिक्स करते हुए, ब्लेंड करते हुए। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मरून नीचे की ओर दिया है, और फिर इस तरह से मैंने मिक्स किया ऊपर की ओर, और फिर मैं ऊपर से वाइट दूंगी। वही फ्लैट ब्रश से ही अभी काम हो रहा है, जो मैंने 5 नंबर ब्रश लिया है उसी से मैं सब कलर दे रही हूँ, और फिर ऊपर से आउटलाइन देते हुए हम उसे भी मिक्स करते हुए नीचे की ओर शेड देंगे, नीचे की ओर आएंगे ऊपर से। वीडियो में आप जैसा कि देख सकते हैं गाइज, कितना खूबसूरत दिखने लगा गाइज, बहुत ही सुंदर दिखने लगा। बनने के बाद हम इसे एक पेटल ही में मैंने इसके कलर की तो खूबसूरती बढ़ गई। तो यहाँ पे देखिए दूसरे पेटल में भी इसी तरह से फिल करेंगे, इसी तरह से फिल करते हुए और बीच के हिस्से को छोड़ देंगे, जो बीच में पार्ट दिख रहा है उसे दूसरे कलर से करेंगे। तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए गाइज, क्योंकि आपकी एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी मायने रखती है। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना भूलिएगा मत, क्योंकि मेरे हर वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हर तरह की ब्यूटीफुल डिज़ाइन देखने के लिए और पेंटिंग देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। आप लोगों को इस तरह की डिज़ाइन या फिर बेडशीट की पे पेंटिंग या कुर्ती पे पेंटिंग या दुपट्टे पे पेंटिंग चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करें। और अगर आप लोगों को इस तरह के बेडशीट बाय करनी हो पेंटिंग किए हुए, तो इसके लिए भी मुझे इंस्टाग्राम पे DM करें। तो गाइज यहाँ पे दूसरे पेटल भी देखिए मैंने तैयार कर लिया है, ऊपर से वाइट शेड दे रही हूँ, वाइट से मैं देखिए इस तरह से। इस तरह की डिज़ाइन की पेंटिंग मैंने पहले भी बताया है बेडशीट पे, और फिर मैं ये बता रही हूँ, ये दोबारा बना रही हूँ, लेकिन थोड़ा हटकर बना रही हूँ ये, तो इसलिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ फिर से दोबारा, कि ये मेरे क्लाइंट ने इसे डिमांड किया है, ऑर्डर किया है कि इस तरह का मुझे ये ही डिज़ाइन चाहिए और बेडशीट पर, तो मैं इसी के लिए बना रही हूँ। तो आप लोगों को तो पता है कि जो भी पेंटिंग करती हूँ आप, मैं वीडियो बनाकर शेयर करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को ये पेंटिंग दिखा रही हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये मेरी पेंटिंग कैसी।
गाइस। और मैं अब इसके बीच के हिस्से को कंप्लीट करूँगी। ये देखिए बीच के हिस्से में पेंटिंग कर रही हूँ गोल्डन येलो से। आप क्रोम येलो भी लगा सकते हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे गोल्डन येलो से फिल कर लिया है। कलर लगाया इस तरह से, देखिए, और फिर शेड दिया है तो बहुत ही खूबसूरत और अच्छी शेडिंग बनने के बाद उभर कर आई है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इस तरह से। देखिए मैंने उसी ब्रश से शेड दिया है नीचे की ओर भी। आप चाहें तो बीच के हिस्से में कम नंबर के ब्रश, 3 नंबर या 2 नंबर के ब्रश भी यूज कर सकते हैं। और फिर मैं इसे इसके लास्ट में आउटलाइनिंग करूँगी 1 नंबर ब्रश से। ये देखिए मैंने राउंड ब्रश से 1 नंबर ब्रश से ये पहले, सॉरी, मैंने यहाँ पे बीच में थोड़ा बूटा दे दिया गोल गोल वाइट से ताकि खूबसूरत लगे देखने में। सॉरी यहाँ पे मैं अच्छे से वीडियो नहीं ले पाई हूँ, ब्लर हो गया है, तो इसके लिए आप मुझे माफ़ कीजिएगा। आगे वीडियो अच्छी है तो इस तरह से देखिए मैंने आउटलाइन किया है यहाँ पे सारे पेटल के ऊपर इस तरह से। देखिए वाइट से आउटलाइनिंग लाइनिंग देने के बाद फिनिशिंग आ जाती है, फ्लावर और खूबसूरत लगने लगता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। इसके एक लीफ और स्टीम और भी छोटे छोटे लीफ और कलियां लेकर मैं उसमें अगले वीडियो में पेंटिंग बताऊंगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।